हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में आपसे बात करूंगा बीएसटीसी कोर्स के बारे में, प्री डीएलटी के बारे में। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपका सपना है सरकारी अध्यापक बनने का, आपका सपना है कि 12वीं के बाद ही मैं अध्यापक बन जाऊं, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, बीएसटीसी कोर्स कर सकते हैं। तो इस कोर्स के बारे में बताने वाला हूं, कितने वर्ष का ये कोर्स होता है, फॉर्म कैसे आप लगाओगे, क्या फीस होगी फॉर्म की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। तो सारी बातें बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं बीएसटीसी कोर्स की, तो आप एंड तक इस वीडियो को आपको देखना है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी क्लास का अनअकैडमी पर, आप मुझसे पढ़ सकते हैं। शाम को 8 बजे लाइव आ रहा हूं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आपके करियर के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, या अगर आप जनरल साइंस या स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, तो आज शाम 8 बजे वाली क्लास में आ सकते हैं। और रोजाना मेरी क्लासेज होती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करना है, प्रोमो कोड लगाना है Genuine10, GENUINE10, Genuine10 प्रोमो कोड लगाना है, क्लास ओपन हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा यहां पर अनअकैडमी का लिंक, तो वहां से भी आप आ सकते हो क्लास के अंदर। तो सभी बच्चे 8 बजे क्लास में आ जाएंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है प्री बीएसटीसी का, यानी प्री डीएलटी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो यहां पर जो है फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 9 तारीख से, यानी 9 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और कब तक भर सकते हैं, तो आप 10 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। 9 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो फीस जमा कराने की जो तिथि है वो आपकी है 12 जुलाई, 12 जुलाई तक आप फीस जमा करा सकते हैं। तो काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे लास्ट वीडियोस पे कि सर बीएसटीसी के फॉर्म कब आएंगे, प्री डीएलटी के फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आपने 12वीं पास कर ली है या आपने 12वीं की एग्जाम दी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है, 2 वर्षीय ये एक तरह से डिप्लोमा कोर्स होता है टीचर ट्रेनिंग के लिए। तो आप जो है टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, 2 वर्ष का आप किसी भी यहां पर सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से बीएसटीसी करके आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, राजस्थान प्रदेश की किसी भी स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर। तो यहां पर फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 9 जून से फॉर्म स्टार्ट है, यानी कल से आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन मोड पर। इसके अलावा 10 जुलाई तक फॉर्म की लास्ट डेट है, और भी एक्सटेंड हो सकती है, बट अभी फिलहाल जो है 10 जुलाई है। इसके अलावा 12 जुलाई तक आप फीस जमा करा सकते हैं। फीस बता देता हूं फॉर्म फीस कितनी लग रही है, क्योंकि सभी बच्चे पूछना चाहेंगे कि फॉर्म फीस सर कितनी लग रही है। तो यहां पर फॉर्म फीस जो है सामान्य वर्ग के जो है, जो संस्कृत भाषा के नहीं है, सामान्य सब्जेक्ट के, मतलब एसएसटी के हो गए, हिंदी के हो गए, साइंस के हो गए, उनकी जो फीस है, उनकी जो फीस है वो लगने वाली है यहां पर 400 रुपए, 400 रुपए फीस लगने वाली है। और जो संस्कृत के हैं उनकी फीस लगने वाली है 450 रुपए, ठीक है भाई, 400 रुपए नॉर्मल वालों की है, जो यहां पर साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, लेकिन जो संस्कृत से हैं उनकी फीस लगने वाली है 450 रुपए। साथ ही मैं आप बता देता हूं कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि एक तरह से एंट्रेंस है, जिस प्रकार से आपका बीएड का एंट्रेंस होता है उसी प्रकार से प्री डीएलड का भी एंट्रेंस होता है। तो इसका आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो एग्जाम का पैटर्न है कि ये ऑफलाइन मोड पर आपकी एग्जाम होती है। किस मोड पर होती है, ऑफलाइन मोड पर आपकी एग्जाम होती है। टोटल ड्यूरेशन यानी टाइम कितने का होता है भाई, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 600 नंबर का आपका पेपर होता है। अब यहां पर क्वेश्चन कितने आते हैं, तो क्वेश्चन लगभग आपके आएंगे यहां पर 150 क्वेश्चन के आसपास, 200 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 200 क्वेश्चन आते हैं 600 नंबर के, 200 क्वेश्चन आते हैं 600 नंबर के, एमसीक्यूज टाइप होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बीएड में भी नहीं होती है और बीएसटीसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब यहां पर सिलेबस देख लेते हैं, आपके मेंटल एबिलिटी यानी आपकी जो रीजनिंग होती है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे 150 मार्क्स के। इसके अलावा जनरल इंफॉर्मेशन राजस्थान यानी राजस्थान की जो जीके है या जो करेंट है उसके क्वेश्चन आएंगे 50-150 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन आएंगे ये भी 50 आने वाले हैं 150 नंबर के। इसके अलावा अगर आप सामान्य से हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं या आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो आप ओनली इंग्लिश और हिंदी, आपको दो लैंग्वेज होंगी, दो लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करनी होंगी, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। लेकिन अगर आप संस्कृत से हैं, संस्कृत से आपने 12th पास की है, तो आपके संस्कृत के 30 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर 20 आपको इंग्लिश के करने होंगे और 30 यहां पर आपको संस्कृत के करने होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन। तो आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 600 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत आसान पेपर होता है, 10th या 12th स्टैंडर्ड का ही यहां पर जो है सिलेबस है और बहुत आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। आप मेरी क्लास लीजिएगा जनरल साइंस और स्टैटिक जीके, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपका जो 50 नंबर का मटेरियल है वो मेरी
लाइव क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलर लाइव क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आप जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप दो वर्षीय बीएसटीसी करते हैं, अगर आप दो वर्षीय बीएसटीसी करते हैं ट्वेल्थ के बाद में, तो आप राजस्थान के अंदर पहली कक्षा से पांचवी कक्षा को पढ़ा सकते हैं, सरकारी स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर। आप एक मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएसटीसी करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से बीएसटीसी करते हैं, तो आप जो है पहली से पांचवी तक के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी क्लासेस को आप पढ़ा सकते हैं। और रीट में भी इसकी वैकेंसी है। अब जो रीट एंट्रेंस होने वाला है, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसमें भी बीएसटीसी की सीटें हैं, काफ़ी सारी पोस्ट है बीएसटीसी की, तो काफ़ी शानदार कोर्स है। अगर आपका सपना है अध्यापक बनने का, ट्वेल्थ के बाद ही आप अध्यापक बन सकते हैं। दो वर्ष का यहाँ पर जो है आपका ये कोर्स होता है, तो दो वर्ष का कोर्स है, इसको आपको करना है। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर कौन कौन इसमें फॉर्म लगा सकता है, तो अगर आपने 12वीं की एग्जाम दी है, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो बिल्कुल आप अपेयरिंग में हो तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास कर ली है, आप गैप भी ले चुके हो, आप एक दो साल से कुछ नहीं कर रहे हो, तो अभी आप फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दो साल की बीएसटीसी कर सकते हो, बीएसटीसी कोर्स कर सकते हो। बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स, यहाँ पर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो काफ़ी शानदार कोर्स है ट्वेल्थ पास विद्यार्थियों के लिए। अभी तक अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ये सिलेबस है आपके सामने, ये पैटर्न है। और काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर कब तक फॉर्म आएंगे, तो फॉर्म स्टार्ट हो गए। आप ई मित्र से फॉर्म भर सकते हैं, खुद भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फीस मैंने आपको बता दी है, लगभग 400 रुपये लगने वाली है सामान्य वालों की, और 450 रुपये लगने वाली है संस्कृत वालों की। अब ये सामान्य और संस्कृत क्या है, तो जो प्री डीएलडी का फॉर्म सामान्य वाले, मतलब जिन्होंने ट्वेल्थ आर्ट्स से पास किए लेकिन आर्ट्स में उनके पास संस्कृत नहीं थी और सब्जेक्ट थी, जिन्होंने साइंस वर्ग से पास किए या कॉमर्स से पास किए, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत का मतलब है जिसने 11, 12 संस्कृत से पास किए, या संस्कृत महाविद्यालय है, या इसके अलावा संस्कृत आपने स्कूल से पास किए, तो बिल्कुल आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको कि 9 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 9 जून से यानी कल से फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसके अलावा 10 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पैटर्न है, ये सिलेबस है, सारी चीज़ लगभग मैंने आपको बता दी है। और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, मैं जीके पढ़ा रहा हूं, तो आप जो है 8 बजे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, जो बीएसटीसी की, जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या जिनको जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है, आज शाम 8 बजे अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जो है क्लिक करके प्रोमो कोड लगाना Genuine10 GENUINE10 और क्लास ओपन हो जाएगी। तो मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर, आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।